कुछ हुआ नहीं मुझे। है मुझे हुआ मैं कह रहा हूँ ना नहीं हुआ जिसका डर था ना वो शुरू हो गया मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया भेड़िया और सितारे को छूना तो पड़ेगा तुम्हें क्या हुआ वरुण मुझे एक भेड़िए ने काटा है कहते हैं फुल मून के दिन भेड़ीये का काटा अपना असर दिखाता है। एक बार बकरी अपने घर से बाहर जा रही थी। तुमने तो बच्चों से बोली, जब तक मैं घर वापस ना हो, किसी को घर के अंदर आने मत देना। लेकिन पता है, ये बात घर के बाहर झुककर कौन सुन रहा था? खतरनाक भेड़िया भेड़िए ने दरवाजे पर दस्तक दी बच्चों ने पूछा कौन है भेड़िया बोला तुम्हारी वहां दिल में दौरे तो नहीं पड़ते बहुत सी आत्माओं से बात की तुम तो। कृत है तो प्रगति है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूम अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाड़ू आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस बिछाड़ से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और भट्टी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट के कल्पना शक्ति पर पूरा दरमदार है और एक हॉरर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुंचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा ने सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डुबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिक सेनन के पास पहुंचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डधन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके बोलों के कोई माय मायने ही ना होते हों वर्ड धोन के साथ दिक्कत वही है कि वह फिल्म कोई भी हो कहानी कोई भी हो किरदार कोई भी हो वर्ड धोन ही लगते हैं अभिनय के लिए जो समर्पण उनमें चाहिए वह उनमें नहीं है और शायद इसीलिए वह मेहनत कश निर्देशक की फिल्में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं जहां उनकी हर बात आँख मूंद मानी जाए अभिषेक बनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है उनके होने से ही फिल्म की आत्मा हंसती है दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छे कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक वो फ़िल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉरर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल बुलेर टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वह निराश नहीं करते दिल्ली के का महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी वरुण धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुश्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिनिनी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुबरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विषाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से रिश्की मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की पियर बुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृत का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तुम तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसा दे भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चंडी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के में कुछ ज्यादा पायदान और चढ़ जाते हैं कृति सिन्न अपने अलग रोल और लुक में जचती हैं फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अबसे की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्र धन को भेड़ िया बना दिया है आदमी का भेड़िये के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बी से ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर अनिका निकृति सेनन के पास पहुंचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोश से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका के पास पहुंचता है और यहां से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्ड ध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी प्रकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यहाँ श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गगोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भलेट टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी अरुण्वन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पोस्तनी घर गिरवी भी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहती सेनन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विषाणु उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का सिलसिला थमेगा विशाड़ कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बेयरबुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ण के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कम तर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूम में हास्य और हरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के

जेमिन के रूम में का कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्र धन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का भूत सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुंचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृति है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विशाड़ से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार निरन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉरर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोश से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिकृति सेनन के पास पहुंचता है और यहां से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस में, में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफ़ी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कीर्ति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कीर्ति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए बोलो के कोई मायने ही ना होते हों। भी हो, हो, हो वर्ड धोन ही लगते हैं वह मेहनत कश निर्देशक की फिल्म में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं जहाँ उनकी हर बात आँख मूंद कर मानी जाए अभिषेक बनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है उनके होने से ही फिल्म के आत्मा हंसती है दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भोल टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के का महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी और अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुस्तानी घर गिरवी रखकर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी कबाब तो पांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहानिक सेनन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बोल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफिक्स के अलावा इसकी सोनेमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हारर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृत का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलाग तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रोग में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के रूम में कुछ ज्यादा पायदान और चढ़ जाते हैं कृति सिन अपने अलग रोल और लुक में जसती हैं। फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है फिल्म में उनकी भूमिका काफ़ी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह श्र बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्रधन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार से ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का भूसवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिसाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार निरन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोश से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हो जाता है। मामला की कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्ड धोन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफ़ी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की ये सोच वर्ड ध्वन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमज़ोर खड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनों के किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कंबिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉरर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भुलैया टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के का महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी वरुण धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुश्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोचकर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुबरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से रिश् मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफिक्स के अलावा इसकी सोनेमाटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृत का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तुम तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसा दे भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चंडी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता

जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने धन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है। जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर अनिका निकृति सेनन के पास पहुंचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताक़तवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणुड़ से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉरर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डुबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिकृति सेनन के पास पहुँचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्ड ध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड ध्वन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में ना तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाते है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गगोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भुलेटू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी अरुण्वन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पोस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा हैं वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विषाणु भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विषाणु उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का सिलसिला थमेगा विशाड़ कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँग से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बेयरबुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ण के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के जमाने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलाग तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के रूप में कुछ ज्यादा पायदान और चढ़ जाते हैं कृति सेनन अपने अलग रोल और लुक में जचती हैं। फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है फिल्म में उनकी भूमिका काफ़ी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह श्र बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्रधन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बीफैक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का भूत सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि विषाणवा गया है अपनी जान की बाजी लगा कर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह वा ताकतवर भी बन जाता है प्रकृति है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाड़ आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस बिछाड़ से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी ज़मीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिकानिकृति सेनन के पास पहुँचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफ़ी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कीर्ति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कीर्ति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कंबिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल ब्लेर टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी वरुण धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कंट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहानिक सेनन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बेयरबुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ल्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हारर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलाग तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रोग में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के में 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 कुछ ज्यादा और और चढ़ जाते हैं। हैं। अपने अलग रोल लुक फिल्म उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने धन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर अनिका निकृति सेनन के पास पहुंचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिसाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृति है तो प्रगति है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार निरन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा ने सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिक सेनन के पास पहुंचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्ड धोन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धोन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में ना तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर खड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनों के किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भलेट टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वह निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी अरुण्वन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोचकर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुबरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से रिश्की मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफिक्स के अलावा इसकी सोनेमाटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृत का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तुम तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसा दे भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चंडी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता

कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने धन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काटकर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बीफेक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विशाड़ से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार निरन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉरर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिकृति सेनन के पास पहुंचता है और यहां से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डधन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफ़ी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में ना तो हिमेश रेशमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके बोलों के कोई मायने नहीं ना होते हों। वर्ड धोन के साथ दिक्कत वही है कि वह फिल्म कोई भी हो कहानी कोई भी हो किरदार कोई भी हो वर्ड धोन ही लगते हैं अभिनय के लिए जो समर्पण उनमें चाहिए वह उनमें नहीं है और शायद इसीलिए वह मेहनत कस निर्देशक की फिल्में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं जहां उनकी हर बात आंख मूंदकर मानी जाए अभिषेक बनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है उनके होने से ही फिल्म की आत्मा हंसती है दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यहाँ श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कंबिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भुलैया टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी वरुण धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कंट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुश्तानी घर गिरवी रखकर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा हैं वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोचकर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो पालिन कबाब तोपांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विषाणु उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बेयरबुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ण के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के जमाने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तो मैं क्या मर जाऊं सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूम में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के रूप में कुछ ज्यादा पायदान और चढ़ जाते हैं कृति सिन्न अपने अलग रोल और लुक में जचते हैं फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने धन को भेड़ बना दिया है आदमी का भेड़िए रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बी पैक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर अन्य वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का भूत सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृति है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाड़ आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोश से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों डॉक्टर अनिका सेनन के पास पहुंचता है और यहां से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डधन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड ध्वन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में ना तो हिमेश रेशमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कीर्ति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कीर्ति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भलेटू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी और अरुण्धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी बालन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बोल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफिक्स के अलावा इसकी सोनेमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हारर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलाग तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रोग में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के में 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 कुछ ज्यादा पायदान और और चढ़ जाते हैं। हैं। अपने अलग रोल लुक में है। फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, फिल्म में उनकी का का है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्रधन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बीफैक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण पर पैसा कमाने का भूसवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़ वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृति है तो प्रगति है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार निरन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं है नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिक सेनन के पास पहुंचता है और यहां से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ धोन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में ना तो हिमेश के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिश से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनों के किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भले टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के का महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी और उड़ध्वन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुस्तनी घर गिरवी रखकर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा हैं वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिनानी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुबरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विषाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से रिस्की मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफिक्स के अलावा इसकी सोनेमाटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृत का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तुम तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसा दे भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चंडी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता रो में कुछ ज्यादा पायदान और चढ़ जाते हैं कृति सिन अपने अलग रोल और लुक में जचती हैं। फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है फिल्म में उनकी भूमिका काफ़ी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह श्र बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्रधन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बी पैक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का भूज सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाड़ आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन बाग और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिक सेनन के पास पहुँचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्ड ध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफ़ी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा है सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की कलाकारी पूरी की है। उनका रूप और अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके बोलों के कोई मायने ही ना होते हो वर्ड धोन के साथ दिक्कत वही है कि वह फिल्म कोई भी हो कहानी कोई भी हो किरदार कोई भी हो वर्ण धोन ही लगते हैं अभिनय के लिए जो समर्पण उनमें चाहिए वह उनमें नहीं है और शायद इसीलिए वह मेहनत कश निर्देशक की फिल्में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं जहां उनकी हर बात आंख मूंद कर मानी जाए अभिषेक बनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है उनके होने से ही फिल्म की आत्मा हंसती है दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कंबिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भुलैया टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी वरुड़ धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कंट्रैक्ट लेकर आता है इस कंट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पोस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोचकर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तोपांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बेयरबुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ण के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के जमाने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तो मैं क्या मर जाऊं सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसाते हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कम तर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूम में हास्य और हरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकी नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के में 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 कुछ ज्यादा पायदान और और चढ़ जाते हैं। हैं। अपने अलग रोल लुक फिल्म उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में का कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्र ध्वन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िये के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का भूत सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सेनन के पास पहुंचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिशाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृति है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाड़ आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी ज़मीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिकृति सेनन के पास पहुंचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके कोई ही ना होते हों। के साथ दिक्कत वही है कि उन्हें चाहिए उन्हें नहीं है। और निर्देशक की फिल्म में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं जहाँ उनकी हर बात आँख कर मानी जाए अभिषेक बनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है उनके होने से ही फिल्म के आत्मा हंसती है दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छे कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भलेटू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी अरुण्धवन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तोपांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विशाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से के मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बोल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है वर्ड के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफिक्स के अलावा इसकी सोनेमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में हास्य और हारर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृति का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलाग तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसा हाँ भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चड्ढी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रोग में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के रूम में कुछ ज्यादा पायदान और चढ़ जाते हैं कृति सिन अपने अलग रोल और लुक में जसती हैं। फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है फिल्म में उनकी भूमिका काफ़ी अहम है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और इन दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्रधन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगत है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बीफेक्स ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण पर पैसा कमाने का भूसवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनिका निकृति सीन के पास पहुँचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिसाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसे आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बिछाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार निरन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉरर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा ने सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिकृति सेनन के पास पहुंचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्डधन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड धन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में न तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाता है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखेरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके बोलों के कोई माय नहीं ना होते हों वर्ड ध्वनि के साथ दिक्कत वही है कि वह फिल्म कोई भी हो कहानी कोई भी हो किरदार कोई भी हो वर्ड ही लगते हैं अभिनय के लिए जो समर्पण उनमें चाहिए वह उनमें नहीं है और शायद इसीलिए वह मेहनत का निर्देशक की फिल्में छोड़कर ऐसी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं जहां उनकी हर बात आंख मूंदकर मानी जाए अभिषेक बनर्जी ने उनसे बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है उनके होने से ही फिल्म की आत्मा हंसती है दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में दिख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गोन गोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल बुलेट टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वह निराश नहीं करते दिल्ली के का महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी और धवन अपने कजिन जनार्दा कैनी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कंट्रैक्ट लेकर आता है इस कंट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पुश्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा है वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रत प्रकृत के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोच कर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिनिनी पालिन कबाब तो पांडा यानी दीपक डुबरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विषाण भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विशाण उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा होने वाली मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है पूरा इलाका आतंक के काले साय में घिर जाता है क्या मौतों का यह सिलसिला थमेगा विशाण कोई दंतकथा है या फिर कोई भयानक सच क्या भास्कर इच्छाधारी भेड़िए की शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य आदमी बन पाएगा इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को फिल्मकार हमेशा से रिस्की मानते रहे हैं यही वजह है कि इस जॉनर की सीमित फिल्में देखने को मिलती हैं मगर स्त्री और बाला के निर्देशक अमर कौशिक इसे खूबी खुँ, से निभाले जाते हैं हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है मगर इंट्रोल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है फिल्म का प्री क्लाइमैक्स भी थोड़ा खिंचा हुआ लगता है कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं फिल्म देखने से पहले धड़का लगा हुआ था कि ये अब तक की बुल फिल्मों की सस्ती नकल ना साबित हो मगर इसका तगड़ा बेफैक्स आशंका को निर्मूल साबित करता है के इंसान में भेड़िए का रूपांतरित प्रभावी है निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगलों में जोड़ने में कामयाब रहे हैं फिल्म के बीफेक्स के अलावा इसकी सिनमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहली है जिसानो भट्टाचार्य जी के कैमरे के लेंस से अरुणाचल की खूबसूरती रहस्यमय जंगल और पूनम के दुधिया चांद को देखना विजुअल ट्रेट साबित होता है फिल्म में और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं जैसे प्रगति के नाम प्रकृत का नाश और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और अरुणाचल देश को देश का हिस्सा न समझना आदि लेखक नीरेन भट्ट के आज के ज़माने में नेचर की किसको पड़ी है हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है कोई बात नहीं भाई तेरे लिए जो मटर है उनके जानवर के लिए वो डिनर है जैसे संवाद या फिर सहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलाग तुम तो मैं क्या मर जाऊं? सोच प्रेरक होने के साथ साथ हंसा दे भी हैं फिल्म का संगीत सचिन जिकर ने दिया है जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में चंडी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पुराया गया है अभिनय के मामले में भी फिल्म कमतर नहीं है वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्में के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता

जेमिन के रूम में पालन कबाब महसूस मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी भी खूब साथ देते हैं फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखा दिया गया है टीवी पर इच्छाधारी नागिन को खूब पसंद किया जाता है और फिल्मों में भी यह फार्मूला खूब चला था राहुल राय को लेकर वर्षों पूर्व जुनून बनी थी जिसमें वह शेर बन जाते हैं लेखक नीरज भट्ट ने व्र धन को भेड़िया बना दिया है आदमी का भेड़िए के रूप में परिवर्तित होने के आइडिया को विस्तार देते हुए वे अच्छी कहानी नहीं लिख पाए प्रकृति ही प्रगति है जंगलों को काट कर रोड बनाना जानवरों से उनका घर छीनना जैसी तमाम बातें उन्होंने कहानी में डाली है लेकिन बात नहीं बन पाई है शानदार बी से ही कुछ हद तक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं भास्कर यानी वरुण ध्वन पर पैसा कमाने का सवार है वह अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ के स्थानीय निवासियों को जंगल के बीच से रास्ता बनाने का आइडिया देकर तरक्की के सपने दिखाता है एक रात भेड़िया उसे काट लेता है और वह जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर अनिका निकृति सेनन के पास पहुंचता है पढ़ा लिखा भास्कर लगातार जानवरों का इलाज करने वाली डॉक्टर से इलाज कराता है क्योंकि किसी इंसान का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया तो गांव में अफवाह फैल सकती है कि बिसाड़वा गया है अपनी जान की बाजी लगाकर भला ऐसा कोई करता है क्या पर भास्कर लगातार उसी से इलाज कराता है टेलर में आप देख ही चुके होंगे कि भेड़िए के काटने के बाद भास्कर को दुर्गंध अच्छी लगने लगती है दूर दूर की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और वह ताकतवर भी बन जाता है प्रकृत है तो प्रगत है और आज जिस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा आती रहती है साथ ही ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती हैं जिनका इलाज ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं फिल्म भेड़िया के पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है जब भी उस जंगल का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले बस बात आसान सी है लेकिन बात को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी लग सकती है क्योंकि फिल्म भेड़िया की दिक्कत भी कुछ ऐसी ही है फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास फिल्म स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डी के नहीं हैं इस बार नीरेन भट्ट की कल्पना शक्ति पर पूरा द्रोमदार है और एक हॉर यूनिवर्स की ये कहानी रूही जैसे अंजाम को पहुँचती दिख रही है फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है और बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है यहाँ इसकी मुलाकात जोमिन यानी पालिन कबाक और पांडा यानी दीपक डुबरियाल से होती है दोनों भास्कर की मदद करते हैं लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं नहीं नहीं यहाँ कांतारा जैसा कुछ नहीं है भास्कर अपनी कोस से जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकानिकृति सेनन के पास पहुंचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वही असल भेड़िया है फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की उन्नीस सौ में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है इस एक फिल्म ने आसकी से स्टार बने राहुल राय के करियर पर ताला लगा दिया था वैसा कुछ वर्ड ध्वन के साथ तो नहीं होने वाला है लेकिन भेड़िया की कहानी काफी कुछ जुनून से मिलती जुलती है सारा मामला यहां जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके किरदार की सोच वर्ड ध्वन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे हैं कि फिर कहानी में ना तो हिमेश रसेमिया के गाने लत ला पाते हैं और ना ही गुलजार का गाना चड्ढी पहनकर फूल खिला ही फूल खिला पाते है फिल्म भेड़िया की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पटकथा है फिल्म इंट्रोल से पहले बहुत धीमी है अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में थोड़ी जान फूकने की कोशिश करते हैं उनके डायलॉग पर हंसी भी आती है इंट्रोल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और यहाँ फिल्म की हीरोइन कृति सेनन की कलाकारी से दर्शक हैरान रह जाते हैं कृति सेनन ने अपने सनोखे किरदार के जरिए फिल्म भेड़िया को बचाने की पूरी कोशिश की है उनका रूप और लवण ने किसी सिनेमा में उनको नंबर वन की अभिनेत्री बनने में मददगार है बस उसको फिल्म का चयन बेहतर करना चाहिए और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए

दीपक डोबरियाल की अपनी चिर परिचित दमक है लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पालिक कबाब उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर किरदार वह सही पकड़ते रहे तो कुछ अच्छी कलाकार उनकी हिंदी सिनेमा में देख सकती हैं फिल्म में छोटे छोटे किरदार में और कलाकार भी हैं स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश है लेकिन यह श्रद्धा कपूर नहीं है हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष वर्ग दर्शक रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है मगर हॉरर कॉमेडी की कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता भोल भुलैया और गो गगोवा जैसी कुछ एक फिल्में के बाद अमर कौशिक ने वो फिल्मकार साबित हुए जिन्होंने स्त्री के रूप में सुपरहिट हॉर कॉमेडी दी थी और अब वही वरुण धवन और कृति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं लक्ष्मी रूही भूल भलेट टू और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते दिल्ली के महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर भास्कर यानी अरुण्वन अपने कजिन जनार्दक यानी अभिषेक बनर्जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के एक घने जंगल में हाईवे की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भास्कर अपना पोस्तनी घर गिरवी रख कर आया है और वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर आमदा हैं वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उस प्रोजेक्ट को प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देख रहे हैं इस महामार्ग के लिए उनके जंगल कट जाएंगे ये सोचकर वह विरोध पर उतर आते हैं मगर भास्कर उन्हें डेवलपमेंट की दुहाई देकर राजी करना चाहता था उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है लोकल युवा जो मिननी पालिन कबाब तोपांडा यानी दीपक डुपरियाल उसे आने वाले संकट से आगाह करता है एक रात जंगल से लौटते हुए भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है भास्कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है मगर उसके अंदर भेड़िया की शक्तियाँ आ जाती हैं वह एक इच्छाधारी भेड़िया बन बैठता है उसकी सच्चाई से अनजान जनार्दिक और जोमिन उसे जानवरों की डॉक्टर अनिका अनिकाहन के पास लेकर जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करवाते हैं इसी बीच पांडा खुलासा करता है कि सालों से उन घने जंगलों में विषाणु भेलिया का वास है और जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है विषाणु उसका नाश कर देता है उसके बाद जंगली जानवर के हमले द्वारा